सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। दोस्तों, अगर आप एक कम्यूटर बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिले, तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन 2 एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा चॉइस आप लोग के लिए हो सकता है। दोस्तों, आप में से जैसे कि कम्यूटर बाइक्स होते कि हर दिन चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को आप जानते ही थे। उसका वर्जन 2 अब आ चुका है मार्केट में और ये है उसका मैट ग्रे कलर। कोलकाता में आज की तारीख में लेने जाएंगे तो अप्रोक्सिमेटली 1 लाख, क्लोज टू 1 लाख इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये बेसिकली स्प्लेंडर मैकेनिकली वही सेम है, लेकिन एक्सटेक जैसे कि एक्सटेक फीचर्स के साथ आता था, एक्सटेक वर्जन 2 भी कुछ और ज्यादा फीचर्स के साथ आ रहा है। कई सारे कलर्स आपको मिल जाएगा एक्सटेक और एक्सटेक वर्जन 2 को मिला के। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि नए बॉडी डिकल्स एंड ग्राफिक्स एंड स्टिकर्स यहाँ पे यूज किया गया है। आप देख सकते हो हीरो की यहाँ पे 3D में एम्बलम मिल जाएगा। जो सारे ग्राफिक्स वगैरह आप हेडलैम्प काउल से लेकर टैंक साइड पैनल और पीछे भी देख सकते हो, ये सारे स्टिकर्स नए हैं। स्प्लेंडर प्लस का आपको 3D में एम्बलम भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे एक्सटेक का भी बैजिंग आपको मिलेगा। अब दोस्तों, चेंजेस क्या है आगे से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो इंडिकेटर्स वही सुपर स्प्लेंडर वाला आपको दिया गया है। आगे की तरफ हेडलैम्प में जो स्टिकर्स यूज किया गया ये नया है और कलर स्कीम और ओवरऑल पेंट क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑरेंज कलर का लाइन मिलेगा, ये स्टिकर्स सारे नए हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हेडलैम्प यूनिट पर। तो हेडलैम्प यूनिट में 2 अलग अलग DRLs दोनों साइड में दिया गया है, जो कि वर्टिकल DRLs है, और बीच में जो मेन हेडलैम्प आता है ये सब कुछ LED आता है। अब LED देकर इसकी जो लाइट का जो कंप्लेंट था इसको बहुत ज्यादा काफी हद तक सुलझाया हुआ है। और इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इंडिकेटर्स पुराने जो ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स आते थे उसको हटा के अभी सुपर स्प्लेंडर वाला इंडिकेटर्स इन्होंने दिया है, जो कि देखने में और ज्यादा मॉडर्न है। अब बॉडी कलर्ड मिरर्स भी आपको मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिलता था, ये भी एक्सटेक वर्जन 2 में आप लोगों को मिल रहा है। और मिरर्स की अगर फील्ड ऑफ व्यू देखें तो काफी अच्छा है। अब हेडलाइट इल्यूमिनेशन और ज्यादा अच्छा हो चुका है, रोशनी इसकी और ज्यादा अच्छा हो चुका है। आगे की तरफ वही सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो पहले आता था, वही सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। मडगार्ड की दोनों तरफ आपको ऑरेंज कलर के रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे और 80x100 प्रोफाइल का 18 इंच का टायर आपको आगे और पीछे दोनों जगह पे मिलेगा। सैडली अभी तक इसमें कोई डिस्क का ऑप्शन नहीं है, आपको नॉर्मल 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और टायर की थ्रेड पैटर्न आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सिटी फोकस थ्रेड पैटर्न इसके दिए गए हैं। अब 80x100 प्रोफाइल का टायर है तो नॉर्मल कम्यूटर बाइक के हिसाब से ठीक ठाक है। ट्यूबलेस है, पहले से ही ट्यूबलेस हो चुका था, तो डाउन ट्यूब डबल ट्यूब फ्रेम या डाउन ट्यूब फ्रेम आप कह सकते हो, उसी फ्रेम में ये गाड़ी आता है। और इसमें आपको इंजन गार्ड भी पहले से फिटेड दिख जाएगा। अब दोस्तों, टायर्स की अगर देखें तो दोनों ही 80x100 प्रोफाइल का है, तो अच्छा खासा रोड ग्रिप आपको मिल जाता है। कई सारे जगहों पर अलग से स्टिकर्स लगाया गया है, आप देख ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकेंगे जैसे कि एक्सटेक में आता था, सेम वहां पे यहाँ पे भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। और वही सेम मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है। एक स्विच है इसको ऑपरेट करने के लिए। अब ये जो मीटर कंसोल है दोस्तों, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है। आपका मोबाइल का जो बैटरी स्टेटस, न्यू मैसेज, कॉल्स रिमाइंडर, ये सब कुछ आप इस मीटर कंसोल में देख पाएंगे। बाकी इसमें टैकोमीटर नहीं है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाएगा। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और ये जो एक पैनल है चाबी के गैप की, जो की स्लॉट है इसके चारों तरफ, ये नया पैनल जो है इसको ऐड कर दिया गया है। अब हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार वही क्रोम हैंडल बार आपको आता है, बहुत ही कंफर्टेबल हैंडल बार यूनिट है। और साथ ही में दोस्तों, आप इसमें देखेंगे अभी पास लाइट स्विच ऐड किया गया है और स्विच गियर क्वालिटी कंप्लीटली इसमें चेंज है, क्योंकि स्विचेस सारे अपडेट कर दिया गया है। और इसमें आपको हजार्ड लाइट स्विच मिल जाएगा, चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलेगा, तो ये एक सेफ्टी फीचर है। और नॉर्मली इसमें i3s, ये टॉप वेरिएंट है तो i3s इसमें पहले से ही आता है। तो दोस्तों, ये स्विच गियर अब पहले से अच्छा हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें अराउंड 9.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आता है, आप देख ही सकते हैं। E20 की बैजिंग दिया गया है और वही मैट ग्रे जो पेंट है वो आपको टैंक के ऊपर भी मिलेगा। साइड में आप देखेंगे तो हीरो की बैजिंग दिया गया है, नए ग्राफिक्स दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम माइलेज की बात करें तो 70 प्लस का माइलेज आपको इजीली इस गाड़ी से अचीव आप कर सकते हो। बुरा से बुरा हालत में भी, गिरे से गिरे अवस्था में भी आपको 65 से लेकर 70 के बीच में माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि स्प्लेंडर जो है अपना लो मेंटेनेंस, कंफर्ट, ओवरऑल रिलायबिलिटी, माइलेज, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। अब ये जो यूटिलिटी बॉक्स है दोस्तों, इसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम फ्यूल FI का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। बात करें दोस्तों इंजिन की, तो इंजिन का जो सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर पार्ट को कंप्लीटली मैट पेंट अभी दिया गया है। और ये वही 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 एक्सेंस फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जिसमें आपको 7.91 bhp का पावर मिलेगा, 8.05 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। चार गियर की गाड़ी है, हिल एंड टो शिफ्टर है, जो कि पहले से आता था। तो ये सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है, इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर कोई भी यहाँ पे सवाल नहीं है, क्योंकि इंडिया की मोस्ट रिलायबल इंजन ये
माना जाता है। अब साइड में स्प्लेंडर प्लस की 3D एम्बलम मिलेगा। अब सीट्स की बात करें दोस्तों, तो सीट की जो कवर है, सीट उस कवर को अभी चेंज कर दिया गया और यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूअल टेक्सचर वाली सीट आपको मिल जाएगा। काफी बड़ा सीट है, अराउंड 785 mm सीट हाइट है, कोई भी हाइट का राइडर चला पाएगा। पीछे जो स्टील का करियर आता था वही सेम करियर अभी भी इसमें आता है। 112 kg से लेकर 113 kg की वेट है, तो वेट भी काफी कम है। पीछे आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोलिक स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि अराउंड 5 टाइम्स एडजस्टेबल है। फुल्ली कवर्ड चेन जो है चेन मिल जाता है। और पीछे अगर आते हैं दोस्तों, तो पीछे का जो बैकलैम्प यूनिट है, बैकलैम्प यूनिट क्लस्टर को भी अभी चेंज कर दिया गया है। और पीछे मडगार्ड भी आप देख सकते हैं, मडगार्ड भी थोड़ा बहुत मॉडिफाइड है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस के साथ अभी एक्सटेक वर्जन 2 स्प्लेंडर प्लस में आया है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात है दोस्तों कि हर गली हर मोहल्ले में आपको स्प्लेंडर की मैकेनिक मिल जाएंगे, इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, तो वो सारा कुछ बहुत ही ईजी होता है। जो रीसेल वैल्यू होता है, रीसेल वैल्यू भी बहुत ही बढ़िया आपको स्प्लेंडर में मिलता है। पीछे भी आप देख सकते हो वही 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा, और पीछे जो एग्जॉस्ट है उसमें आपको क्रोम की मफलर भी देखने को मिल जाएगा, ताकि प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन भी अच्छी तरीके से बना रहे। अब दोस्तों यहाँ पे अराउंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये अराउंड 165 mm है, और हर जगह पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हीरो की जो भरोसा है वो हर जगह पे इंडिया की कोई भी मैकेनिक से आप इस गाड़ी को बना सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर